साथियों, जैक्सान आज 6 जुलाई है और दिन है वीरवार। जैसा कि रोज अपने इस समय फसल भाव के ऊपर साथियों चर्चा करते हैं, तो आज भी साथियों चर्चा करेंगे फसल भाव के ऊपर। सरसों के अंदर जो बड़े प्लांट हैं उनका खेला एक हो रहा है, उनका एक गेम चल रहा है, चर्चा उसके ऊपर करेंगे। हालांकि सरसों के अंदर आज लगभग बड़े प्लांट जो है 50 रुपए तक तेज हुए हैं, जो कि कल 70 रुपए तक गिरे थे। तो बड़ी चर्चा करेंगे सरसों के अंदर जो प्लांटों का खेला है उसके अंदर। साथियों, गवार के अंदर आज एक गिरावट का रूप दिखा है, चर्चा उसके ऊपर भी करेंगे। और चर्चा करेंगे साथियों कॉटन के भाव स्टेबल, मूंग, जौ और गेहूं के ऊपर थोड़ी थोड़ी जो है साथियों चर्चा अपने आज करेंगे। आज वीरवार है और 6 जुलाई है साथियों। सबसे पहली चर्चा करेंगे साथियों सरसों के ऊपर। सरसों में आज एक खेला हुआ है जो लगातार पिछले 7-8-10 दिन से हो रहा है। गुरिंदर जी, शुक्रिया, आपने वीडियो को शेयर किया। तो 7-8-10 दिन से हो रहा है, वो भाव जो है फ्लैक्चुएट होना, भाव ऊपर नीचे जाना। आज प्लांट तेज हैं, बाजार मंदे हैं, आज बाजार तेज है, प्लांट मंदे हैं, तो काफी कुछ इसके अंदर होता है। अरविंद जी गार्ड साहब, शुक्रिया, आपने वीडियो को शेयर किया। भाई जो जो भाई शेयर करेंगे उनका नाम बोल दूंगा। आज यार कम साथी जुड़े हैं, मजा नहीं आ रहा बात का। कल भी कम साथी जुड़े थे, तो भाई एक एक शेयर का बटन सारे भाई दबा दिया करो, ताकि और जो हमारे भाई हैं जिस जी ने वीडियो को शेयर कर दिया है, तो भाई सारे साथी जो है एक एक शेयर का बटन दबा दो, ताकि और भाई जुड़ जाएंगे साथ साथ। एक एक बटन शेयर वाला जरूर दबाना। तो सरसों में साथियों आज श्रवण पुनिया जी अपने वीडियो को शेयर नहीं किया। आज सरसों में आज साथियों 50 रुपए तक का बाजारों के अंदर एक थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिला है। थोड़ा सा तेजी तो नहीं, रिकवरी कह सकते हैं, क्योंकि कल नहीं उसे पिछले दिन ये भाव आके गए हैं। तो ये भी बड़ी बात नहीं है, 100 तेज, 50 डाउन, 50 तेज, 100 डाउन, तो ये चलता रहा है साथियों। सरसों के भाव के अंदर कोई बहुत बड़ी जो है तेजी मंदी कोई एकदम से दिखाई देती हुई नजर नहीं आ रही है। रिकवरी हुई है, रिकवरी का कारण साफ है, विदेशी जो तेल है उनकी मांग बड़ी है। विदेशों से जो है, जो दूसरे देश हैं, चाहे वो मलेशिया है, चाहे इंडोनेशिया है, वो सारे लोग जो है, जो एडिबल ऑयल है, जो खाद्य तेल है, उनको रिकवर करके चलना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि दूसरे देशों को और जो हम लोग जो है तेल दें, लेकिन भारत की जो नीति है वो ये है कि बाहर से कोई भी व्यापारी तेल खरीदेगा उसको कोई भी किसी तरह का टैक्स जो है नहीं लगेगा। तो ये खराब नीति के चलते किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, और बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है, थोड़ा नहीं बहुत बड़ा नुकसान जो है सरसों के किसानों ने उठाया भी है। क्योंकि देखिए जी, विनोद जी सारण साहब जुड़ चुके हैं, वीडियो को शेयर किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। जो जो भाई शेयर करेंगे भाई सबको सबका नाम बोल दूंगा। विनोद जी ने मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक भी शेयर किया है, तो आपका उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए साथियों, हर एक देश की अलग अलग एक मोनोपोली होती है। हालांकि हमारी सरकार ये कहती है कि हम भारत के किसान को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, लेकिन बनेगा कैसे, जब तक हम उसको फसल का भाव नहीं देंगे, पूरा पानी नहीं देंगे, तब तक जो है आत्मनिर्भर बनना बहुत ही एक मुश्किल साथियों बात है। तो सरसों के भाव की बात करें तो कोई बड़ी उठा पटक नहीं, और एक तो साथी भी जो है 60 ही लोग जुड़े हैं, तो वैसे भी कोई ज्यादा मन नहीं कर रहा है। तो ओवरऑल बात करें साथियों सरसों के भाव की, तो वही भाव जो कल भाव थे वही भाव हैं। बाजारों के अंदर कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं हुई है, कोई भी उठा पटक तेजी मंदी नहीं हुई है। तो बाजार सलोनी का जो बाजार है, बड़े प्लांटों की बात करें तो 85 रुपए तेज हुआ है, जयपुर 25-30 रुपए तेज हुआ है, भरतपुर थोड़ा तेज हुआ है, शिवानी लाइन जो है वो भी थोड़ी सी तेज हुई है। तो कल वाले भाव है सरसों के अंदर सभी बाजारों के अंदर वही 4,500 से लेके 5,200 रुपए तक वो कंडीशन के भाव हैं। कुछ मंडियों में कंडीशन देखिए, एक चीज और बताता हूं मैं आपको, आजकल कुछ लोगों ने नई चीज लिखनी शुरू की है, वो ये किए कि सरसों 1,000 रुपए तेज। काफी साथियों के फोन आए आज, हालांकि मैं यार बहुत किसी समस्या में उलझा हुआ था, किसी पारिवारिक काम में उलझा हुआ था बहुत बुरी तरह से, लेकिन मैंने पॉसिबल जितने मेरे से फोन रिसीव करने की हिम्मत थी मैंने किए भी। काफी साथी सरसों का क्या करें, बेचें, रखें, क्या करें, इंतजार करें, कितनी तेज होगी, कैसे होगी। तो
तो उठाए भी मैंने फोन, लेकिन कुछ साथी ये पूछे कि 1000 रुपए तेज का मतलब क्या है। वो ये बोलते हैं कि कंडीशन से 1000 रुपए तेज, इस बात को समझना मेरी को आप, कंडीशन से 1000 रुपए तेज। अगर आपकी सरसों की लैब 42% है तो उससे 1000 रुपए तेज आपका भाव लगेगा, लगभग जो है 5200 रुपए। अगर कंडीशन से 1100 तेज है तो आपका भाव लगेगा 5300 रुपए 42 लैब का। 40 लैब की जो सरसों है कंडीशन का भाव लगाएं तो फिर उसके अंदर क्या होता कि जैसे 800, 850, 900 तेज है तो उस हिसाब से 4900 रुपए। तो वो तेजी कुछ लोग लिखते हैं, आजकल कुछ लोग नए नए आए फेसबुक के ऊपर, उनको ये लगता कि अपने ये लिखे कि सरसों 1000 रुपए तेज तो किसान बाकी आएंगे वीडियो देखेंगे, और वो तो भाई वो सारा सौदा व्यू का और उनका होता है, तो उसमें कुछ वो नहीं है, ज़रा कोई उसके अंदर उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। वो कंडीशन से प्लस 1000 रुपए, 42 कंडीशन है तो 1000, 5200, 40 कंडीशन है तो 1000 रुपए का मतलब होगा कि 5000 रुपए। तो वो अलग अलग कंडीशन के जो है भाव साथियों होते हैं। चर्चा करते साथियों ग्वार की, ग्वार के अंदर आज फिर से सरकार ने एक कोई समझौता कर लिया है अमेरिका व अन्य देशों से, जीके टीम ने सूचना दी है। सर मैं माफी चाहूंगा सरवन जी, मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैं पारिवारिक कारणों से आज पूरा दिन घर से बाहर था, अभी जस्ट घर पे आया हूँ। मैं कोशिश करूंगा हमारी टीम से संपर्क करके, अगर कुछ ऐसा सूचना हुआ तो मैं जरूर आपको साथियों बताऊंगा सरवन जी, जरूर मैं शेयर करूंगा मेरे पेज के ऊपर तुरंत प्रभाव से। अभी थोड़ी देर बाद, मैंने व्हाट्सएप बहुत कम चलाया, मैंने सोशल मीडिया यूज नहीं किया। खैर ग्वार के अंदर साथियों आज एक सुस्ती देखने को मिली है, जैसा कि आपको बताया था कि प्रॉफिट बुकिंग होगी। प्रॉफिट बुकिंग का मीनिंग साफ है, जिन लोगों ने ग्वार 4500-5000 रुपए लिया है वो 5500 रुपए बेच के 5300 रुपए बेच के निकलेंगे, क्योंकि उनका काम सिर्फ ये है कि उनको सिर्फ क्या करना है, सरकार से या जो ग्वार से प्रॉफिट बुक करके निकलना है। तो वही हुआ है, इससे ऊपर और कुछ भी नहीं हुआ है। तो प्रॉफिट बुकिंग का काम ग्वार के अंदर चालू है, भावों के अंदर फ्लक्चुएशन बनी रहेगी, उठापटक जो है भावों के अंदर बिल्कुल जो है बनी रहेगी। बिल्कुल गार्ड साहब आज लाइट नहीं है तो इसलिए गर्मी थोड़ा ज्यादा फील हो रही है भाई। बात करें साथियों गेहूं की, तो बड़ी तेजी नहीं गेहूं के अंदर, लगभग वही स्टेबल भाव है जो कल भाव थे, वही भाव हैं गेहूं के। जौ के बारे में एक भाई रोज पूछते हैं, शायद उनके पास काफी जौ पूरे के पूरे पड़े हैं, तो जौ के अंदर भी तेजी है। हालांकि मैंने बड़े स्पष्ट शब्दों में आपको रविवार को बताया था कि तेजी नहीं बनेगी जौ के अंदर। मूंग के बारे में बात करें तो मूंग में भी तेजी जो है बनती हुई नजर साथियों नहीं आ रही है। तो विनोद जी सारण साहब बार बार कह रहे हैं सभी भाइयों को कि एक YouTube चैनल है अपना किसान पुत्र राजा हेयर के नाम से, वहां भी जुड़ना, खेती संबंधी जानकारी वहां भी अपने देते रहते हैं। और मेरा भी आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को भी एक एक शेयर करें और वहां भी साथी जुड़े। मिलेंगे साथियों कल। एक साथी मौसम का पूछ रहे हैं बार बार, भाई मौसम आज से लेके 9 तारीख तक राजस्थान के अंदर एक्टिव रहेगा, कहां कितनी बारिश होती है कितनी होगी ये भगवान को पता है ओवरऑल। और लग ये रहा है कि 6 से 9 तक जो है मौसम के अंदर एक बदलाव आना चाहिए और शायद बारिश भी अच्छी काफी जगहों पर जो है होनी चाहिए साथियों। तो मिलेंगे साथियों कल इसी टाइम, तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।